फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक डेसिमल्स और उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 2.5। इसमें हम पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और जो हमारी को जो हमें वैल्यूज़ दी गई होती हैं हमारी रियल लाइफ में, जैसे ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, कोई भी लेंथ ब्रेड्स वगैरह, उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यूनिट कन्वर्जन वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल्स। अब देखना है कि डेसिमल्स में हमें क्या क्या ऑपरेशंस करने होंगे। तो पहले है, जैसे कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो 253.417 को, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? तो देखो, 253 तक तो आपको लिखना आता ही होगा कि 2 जो है उसका प्लेस वैल्यू जो 100 है, तो 2 × 100 प्लस 5 × 10 हो जाएगा और 3 × 1, तो ये तो 253 का हो गया। लेकिन डेसिमल्स का प्लेस वैल्यूज़ कैसे होता है? डेसिमल का प्लेस वैल्यूज होता है कि जितना वो डेसिमल से आगे जाता जाएगा, एक ज़ीरो उसके अंदर जो है और ऐड होती जाती है। यानी कि डेसिमल से जस्ट जो अगले वाला होता है उसको हम उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/10 से। और जब आप उससे डेसिमल से सेकंड पोजीशन पे जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1/100 से, और थर्ड पोजिशन पर 1/1000 से, एंड सो ऑन। तो ये चलता चला जाता है, तो इसे हम इस तरह से मेंशन करेंगे। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। इसकी ज़रूरत हमें वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे आपको यूनिट किसी भी मनी का, लेंथ का, या वेट का, हाइट का, या किसी भी चीज़ का अगर कोई यूनिट है और उसको आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ जाए। यानी कि जैसे कि 3 पैसे को आप रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 3 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 3/100 एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, लेकिन इसकी जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो आएगी 0.03। यानी कि डेसिमल फॉर्म वो होती है कि जब भी आप किसी 10 के किसी मल्टीपल से डिवाइड कर रहे हो तो उसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख देते हैं। अब जैसे 5 gram = 5/1000 है, तो इसको हम 0.005, जितने ज़्यादा ज़ीरोज हैं उतने ही डेसिमल के बाद हमारे डिजिट्स आने चाहिए। यानी कि अगर 3 डिजिट्स वाले से आपसे तो सिर्फ 1000 के अंदर 3 ज़ीरो आती हैं, तो हमें डेसिमल के बाद कितने ज़ीरोज चाहिए, कितने डिजिट्स चाहिए? 3 डिजिट्स चाहिए। तो 5 तो देखो तो सिंगल है ना, तो 5 को आप कैसे लिखोगे? 5 के आगे 2 ज़ीरो और लगानी पड़ेंगी और उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो वो बन जाएगा 0.005। तो अब देखो डेसिमल के बाद जो है 3 डिजिट्स हैं। उसी तरह से 7 cm = 0.07 meter ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। कि डेसिमल्स को तो हमने समझ लिया कि डेसिमल्स होते क्या हैं, लेकिन उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे आप? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे 21.36 में 37.35 ऐड करना है। तो देखो, इसको मैंने वैसे ही ऐड किया जैसे कि ऐड हम किसी भी और नंबर को करेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि डेसिमल और डेसिमल जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करने चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉइंट अगर 3 ही है तो आप इसको 373 लिख दोगे, नहीं। डेसिमल के नीचे जो है वो डेसिमल ही आना चाहिए, और अगर उसके जो सब्स्टिट्यूट को डिजिट नहीं मिल रहा तो वहाँ उसके नाम का 0 लग जाता है। तो देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 58.78, और टोटल में भी जो डेसिमल की पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन वही रहती है जो आपने कॉमन उसमें ले रखी है। और सेम आपने डिफरेंस में भी करना है। डिफरेंस भी एक नॉर्मल डिफरेंस ही है, लेकिन जो डेसिमल का पॉइंट है वो उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। अब इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो और कमेंट करके बताओ कि इसका क्या आंसर आया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.5, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि विच इज़ ग्रेटर, 0.5 और 0.05। अब आप खुद बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है। देखो, 0.5 जो है इसमें हमें 5 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो 0.05 आता है उसे हमें उसमें हमें 5 को
हंड्रेड से डिवाइड करना है, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स हैं। तो देखो जितने बड़े नंबर से आप डिवाइड करते हो किसी को, उतना ही वो नंबर जो है वो छोटा हो जाता है। यानी कि देखो डेसिमल से अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो ये एक तरह से 0.50 है और ये है 0.05, तो ये 50 है एक तरह से, ये 5 है पॉइंट के बाद, तो 0.5 जो है वो मेरा बिगर है। अब देखो 0.7 और 0.5, 0.7 और 0.5, अब इसके अंदर क्या है कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है दोनों में, तो वो तो हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप न्यूमेरिकली चेक कर सकते हो कि 7 बड़ा होता है 5 से, तो 0.7 बड़ा हो गया 0.5 से। अब देखो पार्ट थ्री है 7 और 0.7। अब जो 0.7 है तो ऑब्वियसली वो 7/10 है एक्चुअल में, तो 7/10 जो है वो 10 से डिवाइड हो रहा है, और 7 क्या है, पूरा 7 है, यानी कि एक तरह से 7/1 है, तो वही कंसेप्ट लगेगा, 7 जो है हमारा बिगर हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, और 0.7 10 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7। अब देखो पार्ट फोर में हमें दिया गया है 1.37 और 1.49, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ये भी डेसिमल के बाद जो है सेम डिजिट्स हैं 37 और 1.49, और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 को तो कंपेयर कर नहीं सकते, लेकिन 37 और 49 को कंपेयर कर सकते हैं कि 49 जो है न्यूमेरिकली बड़ा है, तो 1.49 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट फाइव में है 2.03 और 2.30। अब देखो ये 2 और 2 तो कॉमन है, दोनों में सेम है, तो इसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम डेसिमल के बाद वाला पार्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है आपका 03 और ये है 30, तो 03 यानी कि एक तरह से वो 3 है और ये क्या है 30 है, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट आपका बड़ा है, तो 2.30 जो है आपका बिगर पार्ट हो गया। अब देखते हैं पार्ट सिक्स में 0.8 और 0.88। इसे मैं यूँ लिख सकती हूँ कि 0.80 और 0.88, क्योंकि देखो 0.8 में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था, तो मैं कंपेयर किसे करूँगी। तो अब 0.8 और ये वाला 8, ये तो सेम ही हो गए, अब इसके आगे मुझे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसके नाम की 0 लगी, और यहाँ पे लगा 8, तो ये 0 है ये 8 है, तो ऑब्वियसली 8 जो है 0 से बड़ा होता है, तो 0.88 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल, मतलब कि आपको ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको दी गई हैं इसमें किसी और यूनिट में, पैसे में, और पैसे और रुपीज़ के मिक्स फॉर्म में, और इन्हें आपने कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपको रुपीज़ में इसे कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 7 पैसे, तो 7 पैसे को मैं 7/100 लिख दूँ तो रुपीज़ में आ जाएगा, तो ये रुपीज़ में क्या होगा 7/100, तो कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट से पहले मुझे डेसिमल चाहिए, तो मैं इसे लिखूँगी 0.07, क्योंकि 7 के आगे कुछ नहीं है, 7 तो सिंगल है, तो उसके आगे 0 लगानी पड़ेगी और फिर यहाँ पे आप डेसिमल लगाओगे। अब देख लो सेकेंड पार्ट क्या है, 7 रुपीज़ 7 पैसे, तो 7 पैसे का तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में देखा, तो ये तो कन्वर्ट होके आ जाएगा 0.07, और रुपीज़ 7 हमारे पास ऑलरेडी था, तो कुछ जब भी दो चीज़ें ऐसे लिखी होती हैं कि 7 रुपीज़ 7 पैसे, तो ऑब्वियसली वो ऐड होनी होती हैं, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि 7 के अंदर अब आप 0.7 को ऐड करोगे। तो देखो 7 तो क्या है, कंप्लीट एक नंबर है, और 0.7 क्या है, यहाँ पे जो इस प्लेस पे जो है आप डेसिमल प्लेस पे जो है डेसिमल प्लेस से पहले यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 0 और 7 को ऐड करेंगे और आगे डेसिमल पार्ट ऐड हो जाएगा, तो 7.07। उसी तरह से 77 रुपीज़ और 77 पैसे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट वही रहेगा, 77/100 कर दोगे आप तो ये रुपीज़ में आ जाएगा, तो अब आपको ऐड करना है 77 रुपीज़ को और 0.77 पैसे, क्योंकि देखो 2 डेसिमल पॉइंट्स थे यहाँ, 2 ज़ीरोस थी यहाँ पे, तो 2 डेसिमल पॉइंट से पहले यानी कि 0.77 हमें चाहिए होगा, तो 77 को ऐड करेंगे 0.77 में, तो 77.77 आ जाएगा। अब देखो पार्ट फोर,
पार्ट फोर में भी दिया गया है 50 पैसे। तो 50 पैसे को तो क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे वैसे ही इसमें कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल करना नहीं है हमें, क्योंकि हमें इसको फाइनली डेसिमल में ही फाइंड आउट करना है। तो दो डिजिट से पहले आप डेसिमल लगा दो तो 0.50 हो जाएगा। अब देखो पार्ट फाइव है 235 पैसे। तो 235 को 100 से डिवाइड कर दिया, अब टू डिजिट्स काउंट करो 5 और 3, तो 3 से पहले आपका डेसिमल लग जाएगा और 2.35 आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन भी डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। मतलब कि आपको 5 सेंटीमीटर दिए गए हैं और उन्हें आपने मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 5 सेंटीमीटर को 5 को आप 100 से डिवाइड कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.05, क्योंकि टू डिजिट से पहले हमें डेसिमल प्लेस चाहिए, तो हम 0.5 लिखेंगे और फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। और अब वो कह रहा है कि इससे मीटर में तो आपने कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में भी करना है। तो किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो मीटर वाली वैल्यू है उसे भी आपको फर्दर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करने के लिए 1, 2, 3 जीरोज और ऐड हो गई, और 3 जीरोज और 2 इसके अंदर ऑलरेडी हैं, तो डेसिमल पॉइंट के आगे आपको 3 जीरोज और लगानी पड़ेंगी और फिर वहाँ पे जाके डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इतने किलोमीटर्स में, 0.00005 किलोमीटर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब पार्ट टू कह रहा है एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। कि 35 mm आपको क्वांटिटी दी गई है और इसे आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में, तो 1 by 1 करते जाते हैं। तो 35 mm को 10 से डिवाइड किया तो आ गया आपका सेंटीमीटर, और 10 से डिवाइड करने पे इसको क्या लिखेंगे, 3.5, क्योंकि एक डिजिट से पहले जो है आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। अभी इसी को आप 1000 से डिवाइड कर दो तो ये आपको मीटर की वैल्यूज दे देगा, क्योंकि mm को मीटर में कन्वर्ट करते टाइम 1000 का रिलेशन होता है, तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इट मींस आपको 3 डिजिट से पहले डेसिमल चाहिए, लेकिन 35 तो 2 ही डिजिट्स है ना, तो उसके नाम के थर्ड डिजिट के नाम की एक जीरो और लगानी पड़ेगी और उससे पहले डेसिमल पॉइंट। तो इन मीटर्स में आ गया। अब देखो किलोमीटर्स में कैसे करेंगे। तो 0.035 आपके पास मीटर्स में ही आया हुआ है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसको 1000 से डिवाइड करके। तो इसको अब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 जीरोस, वही पिछले क्वेश्चन की तरह 3 जीरोस और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, और 0.35 ऐसे कैसे, और उनसे पहले जो है डेसिमल पॉइंट लग जाएगा इतने किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, एक्सप्रेस इन केजीज, कि किलोग्राम्स में इसको कन्वर्ट करना है। दिया गया है 200 grams, तो 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे तभी आपको केजीस मिलेंगे, तो यानी कि 3 डिजिट से पहले डेसिमल, और तो 1, 2, 3 से पहले डेसिमल 0.200 kg। 3470 gram, 3470 gram को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3, 4 से पहले आपका डेसिमल लग जाएगा, 3.470 kg। पार्ट 3, 4 kg 8 gram, तो 4 kg प्लस 8 gram यानी कि 8/1000 kg, और इसका मतलब 0.008 3 डिजिट से पहले डेसिमल, तो 4.008 kg आपका आंसर हो गया। पार्ट फोर में है 2598 milligrams। तो मिलीग्राम्स को अब किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले एक काम करो, इसको कर लो ग्राम्स में कन्वर्ट। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल, तो 2.598 grams आ गया। अब इसे दोबारा 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास किलोग्राम्स आ जाएगा, तो अभी आपको 3 डिजिट्स और ऐड करने हैं इसमें। तो देखो डेसिमल के बाद यूनिट प्लेस पे 2 है आपके पास, लेकिन एक ही डिजिट आई है, तो 2 जीरोस और लगानी पड़ेंगी तो आपको 3 पूरे मिलेंगे, तो ये 0.002598 kg आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछी गई है प्लेस वैल्यू, कि इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ। एक तरह से प्लेस वैल्यू पूछी गई है हर एक डिजिट की। तो देखते हैं 20.03, तो 2 × 10, क्योंकि 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है और 0 क्या है यूनिट प्लेस पे है, और
ये वाला ज़ीरो किस पे है, 1/10 प्लेस पे, और ये 3 किस पे है, 1/100 प्लेस पे। तो ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखते हैं पार्ट टू। पार्ट टू है 2.03, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 1, और ज़ीरो क्यों क्या है, 0 × 1/10, और 3 के को कैसे लिखेंगे, 3 × 1/100, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में दिया गया है 200.03, तो 200 में 2 तो है, वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि 100 पोजीशन पर है, और उसके बाद अगला ज़ीरो जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और उससे अगला 1 से, और उसके बाद ये वाला जो ज़ीरो है डेसिमल के बाद वाला, वो होगा 0 × 1/10 से, और ये 3 किससे होगा, 3 × 1/100। डेसिमल से जितना आप दूर जाते जाओगे उतनी ज़ीरोस बढ़ती जाती हैं, तो ये है आपका डेसिमल से लेफ्ट वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है आपका डेसिमल से राइट वाला पार्ट। अब देखते हैं 2.034 पार्ट 4। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 1 प्लस क्या करोगे, डेसिमल के बाद 0 × 0 × 1/10, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद है, और 3 × 3 × 1/100, 10 ऐड हो गए, और 4 × 4 × 1/1000। तो ये क्या है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये वाला क्वेश्चन 4th जो है आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है कि आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेसिमल नंबर्स की, और आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो देखिए, जो भी हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, एग्जांपल्स किए, उसके बेसिस पर ये आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो देखते हैं कि 2.56 में क्या होगा। अब 2.56 में 2 जो है, जैसे कि यहाँ पे इसके 2 × 1 हुआ था, उसी तरह से ये 2 × 1 है, तो ये क्या है, 1s पोजीशन पर है। और देखो 21.37 में ये किस पोजीशन पर है, 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, एक तरह से 20 को शो कर रहा है, 2 × 10 है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ा है, आप कमेंट करके बता सकते हो, और मेरे को मैसेज भी कर सकते हो फेसबुक पेज पे, homtut.facebook.com के बाद आप homtut लिखोगे तो मेरा फेसबुक पेज आ जाता है, तो उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो देखते हैं पार्ट थ्री। पार्ट थ्री है 10.25। तो 10.25 में 2 की वैल्यू देखो क्या है, 0.20, तो 2 जो है 10 से डिवाइड होगा, तो ये 1/10 हो गया। देखो 10 नहीं लिखना, 10 के बाद मैंने TH ज़रूर डाला है, क्यों, क्योंकि 1/10 है, 10 से डिवाइड हो रहा है, वो 10 की मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 10th लिखेंगे। अब देखो 9.42, ये डेसिमल से और दूर चला गया, तो ये 0.02 है, तो 2 से 100 से डिवाइड हो रही है, तो ये 100 के बाद TH ज़रूर लिखना है, ये होगी इसकी वैल्यू। अब देखो 63.352, तो 0.02002, 0.2 के बाद 002 आ रहा है, तो यानी कि 2 को डिवाइड करना है हमें 1000 से, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है 3 डिजिट्स है, तो ये 1000 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड देन फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। सो ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। सो आई यू वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू डी एंड देयर टू प्लेस सी। सो डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी। सो हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच। क्या बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास दो लोग हैं, एक है दिनेश और एक आयुब है, और दिनेश जो है वो पहले गया है ए से बी पे, और उसके बाद बी से सी पे, और आयुब गया है ए से डी पे, और उसके बाद डी से सी पे। यानी कि गए तो दोनों ए से सी से ही हैं, लेकिन अलग अलग पाथ से गए हैं, और उनकी हमें लेंथ दे रखी है कि ए बी की लेंथ जो है आपके पास है 7.5 किलोमीटर, और बी से सी की है 12.7। तो और ए डी और डी सी की भी लेंथ दी हुई है, तो वो कह रहा है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ऐड करेंगे दोनों डिस्टेंसेस को। तो ए बी की लेंथ है 7.5 किलोमीटर और सी बी की है 12.7, दोनों को करेंगे ऐड,
22.2 किलोमीटर आएगा, लेकिन ऐड करेंगे कैसे, इसका एडिशन बताना है मुझे आपको कैसे करते हैं ऐड डेसिमल्स को। जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया था सेम वही तरीका है। तो 5 और 7 हो जाएगा आपका 12, 2 यहाँ पे और इसका 1 यहाँ पे कैरी, और 1, 7, 8, 8 और 2 10, 10 0 और 0 का 1 कैरी यानी कि यहाँ पे 20, तो 20.2 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आया ये डिस्टेंस हमारे पास। अब उसी तरह से आयुब का भी निकाल लेंगे। आयुब का निकलेगा AD प्लस DC, तो AD है आपके पास 9.3 और DC है आपके पास 11.8, दोनों को ऐड कर लो तो आएगा 21.1 किलोमीटर। अब आप कहोगे ये कैसे निकाला है, तो वो भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 9.3 और 11.8, तो 8 और 3 हो गया आपका 11, 11 का 1 यहाँ पे और कैरी यहाँ पे, और 9 और 1 10, 10 और ये वाला 1 11, तो 11 का 1 यहाँ पे कैरी यहाँ पे, तो 2 और 1 हो जाएगा 2, तो 21.1 किलोमीटर आ गया ना। तो अब देखो आयुब का आया है 21.1 किलोमीटर और दिनेश का क्या आया था 20.2, तो किसका ज़्यादा हुआ, आयुब का। तो इसीलिए आयुब ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपका आंसर है। लेकिन उसने हमसे ये भी पूछा था कि ठीक है ये तो बता दिया कितना किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 21.1 में से 20.2 आया था उसका डिस्टेंस, तो ये हमें जो है माइनस करना पड़ेगा। और ये जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 0.9 किलोमीटर। तो ये भी आपका एक रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, चाहे आप इसे 9 किलोमीटर लिख लो या फिर 0.9 किलोमीटर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि श्यामा बोट 5 kg 300 ग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम ऑफ मैंगोस। मतलब श्यामा और सरला ने कुछ फ्रूट्स खरीदे हैं अलग अलग अमाउंट में, तो वो ये कह रहा है कि किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे। तो पहले देख लेते हैं श्यामा ने कितने खरीदे हैं। उसके पास है 5 kg प्लस 300 ग्राम। ओहो, अब यहाँ पे ये यूनिट अलग आ गया, तो यूनिट अलग आ गया है तो अब इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 kg 300 ग्राम को तो आप ना तो किसी में ऐड कर सकते हो ना किसी में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 300 को आप 1000 से डिवाइड कर लो तो किलोग्राम्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो 300 को 1000 से डिवाइड किया तो 0.300 3 डिजिट से पहले डेसिमल वाला रूल, तो 5.300 kg आ गई है आपके पास एप्पल्स। उसी तरह से बाकी चीज़ों के भी आपको यूनिट चेंज करने पड़ेंगे। तो देखो मैंगोज़ कितने लिए हैं श्यामा ने, 3 kg 250 ग्राम, तो 250 को भी 1000 से आप डिवाइड करोगे और 3 kg में ऐड कर दोगे तो 3.250 kg हो जाएगा। तो अब उसका टोटल फ्रूट निकालने के लिए आपको 5.3 और 3.20 को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे आप तो ये आपको देगा 8.550। ठीक है, डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखना और नॉर्मल जो है जैसे कि एडिशन होता है बस वही करना है इसके अंदर। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये इस तरह से लगेगा आपका 5.30 और 3.250 और 0 प्लस 0 0 0 और 5 5 एंड 3 और 2 5 एंड 5 और 3 8। तो ये इतने किलोग्राम्स आ गए। अब देखते हैं, ये तो हो गए श्यामा के, अब देखते हैं सरला के कितने आते हैं। तो सरला ने ऑरेंजेस बाई किए थे 4 kg 800 ग्राम, तो 800 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.800 kg और 4 kg यानी कि 4.800 kg आपका टोटल हो गए ऑरेंजेस। और बनानास कितने हैं, 4 kg 150 ग्राम, तो 4 kg प्लस 150 बाई 1000, इतने kg हो गए आपके बनानास। तो 4 kg प्लस 0.150 हो गए आपके पास बनानास, तो ये हो गया 4.150 kg। तो टोटल फ्रूट कितना हो गया बोट बाय सरला, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो ऐड करने पे आएगा आपके पास 8.950। और अब देखो 8 इसका आया है 8.950 और उसका आया है 8.550, तो 8.950 ज़्यादा है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, सरला ने ज़्यादा फ्रूट्स बाय किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे डन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर्स देन 42.6 किलोमीटर्स।
वो कह रहा है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। अब कोई चीज़ किससे कितनी कम है ये निकालने के लिए आप उसे उसमें से माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कितना कम है। अब 10 2 से कितना कम है, 8 कम है, कैसे निकालते हैं हम इसको माइनस करके। तो 42.6 में से उसी तरह से हम 28 माइनस कर देंगे। तो देखो 28 के बाद जो है कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन 42.6 जो है वो डेसिमल में है। तो आपको 28 के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा और उसके बाद एक ज़ीरो लिखनी पड़ेगी, तो आप इसे सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो अब 6 आया 14.6 किलोमीटर्स, 14.6 किलोमीटर्स आंसर आ गया कि ये आपसे इतना किलोमीटर्स, इतने किलोमीटर्स का कम है। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स का। तो तब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और हो सके तो ट्राई कीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, अदरवाइज़ वी विल बी कंटिन्यूइंग इट हियर। So thanks for watching and like, subscribe, share and comment, or koi bhi doubt ho to comment. Okay, thank you. Thanks for watching.